मैं हूं आपके साथ नदीम मक्रम मंदसौर के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तैरते हुए नजर आ रहे हैं और वो चीख चीख करके ये गवाही दे रहे हैं कि वहां पूरी प्री प्लानिंग से एक घटना को जानबूझ करके अंजाम दिया गया है क्या असल में इसके पीछे की कहानी है तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए दिल्ली माइनोरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं उसे किस तरीके से देखते हैं क्योंकि शायद पहली बार है कि राम मंदिर के नाम के नाम लिए जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में जानबूझ करके शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब किया जी जी मैंने भी ये वीडियो देखा है और मैं, मैं समझता हूँ कम से कम दो इस तरह के वीडियो मैंने देखे हैं जो बड़े अफसोस की बात है कि पूरा एक एक झुंड आता है और पूरी तैयारी करके आता है और झंडे ले करके आता है और फिर वो मस्जिद के ऊपर जाता है और मस्जिद से वहां से जो हरा झंडा हरा झंडा एक तरह से मुसलमान और इस्लाम की हरा का मतलब ये हरियाली जो है हरियाली जो है अल्लाह बाग ने पैदा की है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसको फेंक करके वहाँ पर एक भगवा झंडा वहाँ पर लगाया गया है उसके बाद गालबन तोड़ तोड़ फोड़ भी गई जो नजर आ रहा है पूरा वीडियो तो बहुत लंबा नहीं है लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि और ये चीज़ आम हो रही है अब ऐसा नहीं है कि ये आ, 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 बस कहीं पे हो गई है इससे पहले हमने जो लिंचिंग के वाकत हों वो इसी तरह का है कि, कि किसी किसी को भी कोई भी आ, कुछ गुंडे हैं जो 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 एक तरह से मवाली हैं आ, वो ले सकते हैं वो और जो अफसोस की बात है ये ये वाकत दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं इसमें इनकार नहीं मुझे है लेकिन उसके बाद जो पुलिस का और जो जुडिशरी का और हुकूमत का जो जो रवैया आना चाहिए वो रवैया नहीं आता यहीं पर दुख होता है यहीं पर जो मालूम होता है कि उन्होंने अपना वो काम नहीं किया और ये हज नहीं हो रहा बल्कि हम तो ये भी देख रहे हैं कि पुलिस वाले खुद यही काम कर रहे हैं अभी चंद दिन पहले जो है हमने देखा कि एटा में एक एडवोकेट है कोई मिश्रा जी हैं उन्होंने कुछ कह दिया होगा बोल दिया होगा मुमकिन कोई केस किया होगा वह नहीं जानता लेकिन जो वीडियो हमने देखा कि पुलिस की एक बड़ी पार्टी आती है और उनके घर का दरवाजा तोड़ती है और जब वो निकलते हैं तो उन पर पड़ती है मारती है हर हाँ तरह से घूसों से बंदूक के बट से मारती है उनको जमीन पे गिरा देती है फिर उनको उसी तरह खींचते हुए बाहर ले जा रही है जहां पर शायद पुलिस की गाड़ी होगी तो ये जो लाकानूनीत है ये कुछ गुंडे लोग भी कर रहे हैं और अब जो है आ, उन जगहों पर जहां पर बीजेपी हुकूमत कर रही है वहां पर जो है पुलिस भी यही काम कर रही है और जो कि बिल्कुल गलत है आ, किसी तरह से जायज नहीं है न सिर्फ ये कि हमारे कानून हमारे संविधान के खिलाफ है ये तो अपनी जगह पर है लेकिन इससे जो माहौल बनेगा इससे जो अफरा तफरी बनेगी इससे जो गुंडागर्दी बनेगी इससे जो क्रिमिनल जो 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 अनासिर हैं मुल्क में बाहरालो पहले भी थे आज भी हैं उनको जो शह मिलेगी कि कुछ भी कर लो आ, वो सब जायज है तो ये चीज बहुत ही खतरनाक है और ये चीज जैसे कि लिंचिंग के बारे में है लिंचिंग शुरुआत हुआ था तीन चार साल तक चला और अब भी लिंचिंग हो रही है रोजाना लिंचिंग हो रही है लेकिन क्या हुआ इसलिए कि वो आम हो गया पहले वो मुसलमानों को मारते थे हर सौ वाक्य में से सत्तर अस्सी मुसलमान के होते हैं लेकिन अब उल्टा हो गया है हर सौ वाक्य में से सत्तर अस्सी जो है हिंदू मारे जा रहे हैं और मुसलमान कम हो गए इसलिए कि ये जुर्म जब आम हो गया तो हर आदमी समझता है कि मैं जो है ये कर सकता हूँ किसी को कोई छोटी सी शिकायत हुई कोई कोई, कोई कोई बात हुई उसको कत्ल कर दो किसी शुभे पे कत्ल कर दो किसी इंतकाम लेने पे कत्ल कर दो तो ये चीज़ जो है समाज के लिए बहुत ही ख़राब है जो लोग समझते हैं कि आज मुसलमानों को वो सबक सिखा रहे हैं हालांकि सबक सिखाने कोई बात ही नहीं है हम एक अमन पसंद शहरी हैं और हम जो है चाहते हैं कि सब लोग कानून से चलें अब अगर हमारी मस्जिद आपने ज़बरदस्ती छीन ली है तो उसके खिलाफ मुजाहरा करना हमारा हक है हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं कोई भी आदमी वहाँ जाकर ज़बरदस्ती छीनने नहीं गया मस्जिद बल्कि मुजाहरा ही तो किया है कहीं खड़े होकर के बोला ही तो है कहीं कोई प्ले कार्ड दिखाया है कि मस्जिद जो है हमेशा मस्जिद रहेगी ठीक बात है आप उसको बर्दाश्त कीजिए आपने उसको अपने तरीके से जो है हड़प लिया है कब्जा कर लिया है वो अलग बात है लेकिन हमको बोलने का हक तो ये है लेकिन अब ये चाहते हैं कोई बोली भी ना कोई कुछ भी ना कहे जो ये कहे तो ये जो रास्ता जो है ये रास्ता कोई ठीक नहीं है और ये रास्ता एक ऐसी तरफ ले जाता है जो कि एक अंधी गली होगी जहां पर कानून पे कोई कुछ भी करेगा और फिर फिर क्या होगा फिर पूरे मुल्क में अफरा हो जाएगी और वही लोग जो आज कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमले होंगे जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे ऊपर भी ना हो और किसी पर भी ना हो हमारे दुश्मन उन पर भी नहीं हो इसलिए हर को जरूरी है कि वो कानून के साथ चले और ये उसी वक्त हो, हो सकता है जबकि हमारी हुकूमत हमारी पुलिस हमारी जुडिशरी सब लोग कानून का पालन करें तभी हो सकता है इस वक्त बड़े अफसोस की बात है कि इस नई हुकूमत जो आई है अभी छह साल से इसके समय कानून से भरे हैं हम कुछ भी कर सकते हैं जो कि गलत है और एक गलत मिसाल कायम की जा रही है एक गलत रवायत कायम की जा रही है जिससे के बहुत ही बुरे असरात होंगे जो बुरी चीज चल जाती है तो उसको खत्म करने में बहुत दिन लगता है अगर नई हुकूमत आए उसके बाद से अगले इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए इसलिए कि इन्होंने इतनी ज्यादा गलतियां कर दी हैं इन्होंने जो है शहरीत के नाम पर जो है कितना बड़ा इन्होंने जो है ना ढोंग रचाया मुसलमानों को शहरीत से बेदखल कर देंगे फिर अब जो है इस वक्त जो हमारे किसान भाई हैं उनको तंग कर रहे हैं मुस्तकिल तीन महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक महीने से दिल्ली के बाहर खड़े हुए हैं इस इस ठंडक में इस उसमें लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के दिल नहीं पसीज रहा इसलिए कि उसने कॉरपोरेट लोगों से कोई वादे कर रखे हैं कि हम जो है सब कुछ तुम्हारे हवाले करके जाएंगे तो ये बहुत ही गलत रीति है और इसके खिलाफ जो मुजहरा करता है उसके साथ इंसाफ करना चाहिए सख्ती नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी बात सुनना चाहिए डेमोक्रेसी यही है अगर डेमोक्रेसी में आप बात नहीं सुनेंगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं है ये फिर ये

जफरुल साहब आप ही के सवालों से मेरे दो सवाल निकल करके बनते हैं एक तो पुलिस प्रशासन के ऊपर यकीनन सवाल खड़े होते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन का मंसौर की घटना के बाद जो इंदौर के आईजी हैं उनका बयान आता है कि हम जो दंगाई हैं जिन्होंने भगवा झंडा लहराया है मस्जिद के ऊपर हम उनकी पहचान कर रहे हैं और ये इसके बाद पुलिस प्रशासन की ही कार्रवाई अब्दुल रफीक के घर पर हो जाती है जो कि दो मंजिला बना होता है पुलिस प्रशासन अगले दिन जाकर के अब्दुल रफीक